अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं बंगालिया में। मुझसे 1.5 फुट का अमल मांग रही थी, मैं इसी तरीके का मैं अमल दे रही है। इस अमल के अंदर तीन भूतने हाजिर होंगे, तीन भूतने, ठीक है। ये छोटी छोटी सी होगी, ठीक है, बच्चा की तरह, और लेकिन ये काम सारा इसका जो है ना बड़ा बड़ा होती है, बड़ा बड़ा जिन्नात की तरह का काम करती है। मिनटों सेकंडों के अंदर ये काम करती है और सारा काम करती है इस तरीके का। इस अमल के अंदर बातनिया का जरूरत नहीं है, परहेज कोई नहीं है, ठीक है। ये सारा आपको करना होगा, असराफ आमिर भी पढ़ना होगी और रिजालुल गैब का ख्याल भी रखना होगी, ठीक है। ये जो बेसिक चीज थी ये मैं आपको बता दी ताकि आप आगे कोई सवाल ना करें। अब मैं इस अमल करने की जो है दो तरीका है, मैं आपको दोनों तरीका बता रही है। बेसिक चीज मैं आपको बता दी, जैसे कि हिसार आपको करना होगी इस अमल के अंदर, ठीक है। जिस्मानी हिसार, दायरे वाला हिसार आपको लगानी होगी। उसके अलावा बातनियात का जरूरत नहीं है, परहेज किसी भी किस्म का कोई भी परहेज नहीं है, और बस ये चीजें आपको मालूम करनी होती है बेसिक जो है। और अमल शुरू करनी होगी ये बुध का रात को, यानी कि मंगल का दिन गुजार करके जो रात आएगी वो बुध का रात होगी। तो नौचंदी बुध का रात को आपको ये अमल करनी है इशा की नमाज के बाद, यानी कि रात को 10 बजे या 10 बजे के बाद आप इस अमल को शुरू कर सकती है। अब करना ये कि जो मैं आपको अमल दे रही है, सबसे पहले आपने क्या करना, मैं आपको दो तरीका बता रही। पहला तरीका ये जो छोटी तरीका है वो ये कि आप अपना नाम और माँ का नाम का अदद निकाल लो। अदद निकालने का वीडियो में डाली हुई है, तो उस वीडियो को आप देखो, वहां से आप देख करके अपना नाम का अदद और अपनी माँ का नाम का अदद निकाल लो। बिन और बिनते का जरूरत नहीं है। अच्छा, मर्द भी इस अमल को कर सकती है, औरत भी इस अमल को कर सकती है, ठीक है। मैं वीडियो को छोटा रखने के लिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी मैं आपको बता रही हूँ। अपना नाम का अदद निकाल लेना और अपना माँ का नाम का अदद निकाल लेना, बिन और बिनते का अदद नहीं निकलेगी, बस एक तरीका ही है, ठीक है। अब ये जो मैं आपको अमल दे रही है, इस अमल को जैसा कि मैं आपको बताया, रिजालों का आपका ख्याल रखना है। बकूर इस अमल के अंदर कोई भी नहीं है, अगरबत्ती आप चाहे तो भी जला सकती है अगरबत्ती। कमरा जो जिस कमरे में आप अमल करेंगे वो कमरा खाली होनी चाहिए, आपका जिसम कपड़ा वगैरह सब पाक साफ होनी चाहिए। कपड़ा आप मतलब कोई भी जो है पहन सकती है, ग्रीन पहन लो या व्हाइट पहन लो, इसके अलावा भी पहन सकती है, बेहतर ये है कि ग्रीन या व्हाइट, ठीक है। और अपना कमरे में चले जाना है, कमरा आपका पाक साफ हो, खाली हो, कमरे के अंदर कोई एक्स्ट्रा गैर जरूरी सामान ना हो। जो बखूर आप जलाने के लिए रखी है, अगरबत्ती या लुबान जो भी हो, बस वो, उसके अलावा और कोई दूसरा सामान ना। आपने अपना इशार लगा लेनी है, पहले आपने असराफ आमिर पढ़नी है। असराफ आमिर पढ़ने के बाद जो है आपने रिजाल गैब को सलाम करें। आप रिजाल गैब को सलाम करने के बाद आप अपना इशार लगाए, दायरे वाला इशार, दायरे के अंदर बैठ जाए। और रिजाल गैब का जैसे कि मैं वीडियो के अंदर बताई कि रिजाल गैब का अपोजिट साइड पर बैठ करके अमल करना होती है, आपने अपोजिट साइड पर बैठ करके अमल को पढ़नी है। जो अमल पढ़ने की वो अमल पढ़ने के लिए मैं आपको बता रही है, पहले आपने 11 मरतबा दूरी शुरू पढ़ लेनी है। उसके बाद ये जो अमल मैं आपको दे रही है, इस अमल को आपने पढ़नी है अपने नाम के अदद के बराबर है। जैसा कि फॉर एग्जाम्पल आपका नाम का अदद आई 1000 या 1200 या 1300, जो भी आपके नाम का अदद निकल के आई, उतनी मरतबा इस अमल को पढ़नी है आपने। उसके बाद आपने दोबारा 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़नी है और आपका ये खत्म हो गया। पहले मैं आपको अमल पढ़ के सुना दूँ, उसके बाद मैं आगे लेके चलती है। जो अमल पढ़ने की है वो ये है, मिन तरल्ला माफी अल्लाह। वो बोलती है ना मिन्नत तरल्ला कर रही है, जैसे कि लोग बोलते हैं ना कि वो मिन्नत तरल्ले कर रही थी उससे अपने काम करवाने के लिए, इस तरीके से ये वही वर्ड है मिन्नत तरल्ला, ठीक है। तो पूरा वर्ड ये लफ्ज यही है, जो जुमला है पढ़ के जो पढ़नी है आपको वो ये है, मिन्नत तरल्ला माफी अल्लाह। ये आपने पढ़नी है अपने नाम के अदद के बराबर, जितना भी आपका नाम का अदद निकले हो उतनी बार इसको पढ़नी है। उसके बाद आपने आखिर में दोबारा 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़नी है और अमल खत्म हो जाएगी आपका। दुरूद शरीफ आप कोई भी पढ़ सकते हैं, बेहतर है दुरूद इब्राहिम पढ़ लो आप, ठीक है। एक तरीका तो ये है कि नाम के अदद के बराबर। अगर आपको नाम का अदद निकालना नहीं आती तो फिर आप इसको पढ़ेगी 3125 मरतबा, 3125 मरतबा आपने इसको पढ़नी है। इस तरीके से इस अमल को 41 डेज आपको कंटिन्यू करनी है, चाहे आप नाम के अदद के बराबर आप इसको पढ़ लीजिए या फिर 3125 मरतबा आप इसको पढ़ लीजिए, तो भी मतलब 41 डेज अमल चलेगी दोनों ही कंडीशन में। आप चाहे अदद के बराबर, नाम के अदद के बराबर पढ़ लीजिए, या वैसे जो फिक्स मैं आपको तादाद बताई है उसके हिसाब से। अब होगी क्या, सबसे पहले तो ये होगी कि आप तकरीबन 3 दिन, ठीक है, कम से कम 3 दिन, ज्यादा से ज्यादा 7 दिन आपको जो है ख्वाब में जो है ये नजर आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। ये तीन भूतना होगी, तीन भूतना छोटा छोटा 1.5 फुट या जिसको आप बोलती है, ठीक है। पहले ये आपको ख्वाब में नजर आना शुरू हो जाएगी, तीसरे रोज नजर आएगी, तीसरे रोज नजर नहीं आए तो फिर 7वां रोज जरूर आपको नजर आ जाएगी। 11वां रोज जब 11 दिन लगेगी, 11वां दिन आपको हो जाएगी अमल करते हुए, तो फिर जाहिरी तौर पर जो है ना शरारते आपके साथ
शुरू हो जाएगी। उस कमरे के अंदर अजीब अजीब आपको आवाज आएगी, डराने की आवाज नहीं, जैसे बच्चा लोग तंग कर रही होती है ना, शरारत कर रही होती है, उस तरीके का आपको आवाज आएगी। ठीक है, यानी कि बच्चों वाली शरारतें जो है वो शुरू हो जाएंगी। भूतना है, 1.5 फुटिया है, छोटी कद की होती है, लेकिन वो हरकत इसका बच्चा वाली है। ठीक है, तो 11वें दिन से जो है आपको जाहिर तौर पर जो है ना आपको दिखने लगेगी, शरारतें वगैरह होने लगेगी। ठीक है, 41वां दिन जो है, जब आपका 41 डेज लास्ट डेट होगी, उस दिन ये आपसे बात करना शुरू कर देगी। उस दिन आप इससे बात करो, कॉलो करार लो, हाजिरी से वादा लेने का वीडियो में डाली भी है, उस हिसाब से इनसे वादा लेनी होगी, बिल्कुल उसी तरीके से। आजमुदा अमल है और बड़ा मजेदार भी, बड़ा मजे मजे का ये आपका जो है ना वो काम करेगी। ठीक है, आप खुद तस्वीर कर सकती है, खुद तस्वीर करे नहीं कर सकती, आप मेरे पास आए, मैं आपको मैसेज ट्रांसफर करके देगी। और हाजिर इजाजत का तरीका जो है वो मैं आपको बता देती हूँ। 3 मरतबा दुरूद शरीफ, 1 मरतबा सूरह फातिहा, 3 मरतबा सूरह इख़लास पढ़ के सरकार को, तमाम अनबिया को, तमाम सहाबा को, तमाम मौलिया को, तमाम जिन्नात मखलूक को, तमाम इंसान को जो दुनिया से जा चुकी है, उन सबको आप इसका हदिया कर दो। आप सबको अमल का इजाजत है। अस्सलाम वालेकुम।